और काफी सारे इश्यूज को लेकर वहां पर डिस्कशन हुई जैसे इंडिया ने बताया सी रीजन में मेरी कंसर्न एमर्ज होके आ रहे हैं और आरो आरोप जो है वो हौतीस पे लग रहा है देखो ये कितना अजीब है ना कि डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स में हमें कैसे अपने शब्दों को चेंज करना पड़ता है बिकॉज हमने एक जो है सी को लेके आर्टिकल कवर किया था और उसमें आ, 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 जो आ, राइटर था ना उसने सीधा सीधा हाउथिस को बोला गया था और हाउथिस सबको पता है कि ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पे बोल रहा है आरोप लगते हैं हाउथिस पर कि वो शिप्स पर अटैक कर रहे हैं जिनको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है तो इसलिए भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मेरा टाइम कंसर्न को लेके इशू एड्रेस करना बहुत जरूरी था सो so हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट इशू और कंसर्न जिसको डिस्कस किया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा नेक्स्ट चाबार पोर्ट डेवलपमेंट प्लान आपने सुना होगा चाबार पोर्ट के बारे में चाबार पोर्ट जो कि ईरान में है और जो इंडिया ने डेवलप कराया है और पोर्ट में एक टर्मिनल है जिसका नाम है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल पहले इस टर्मिनल पे इंडिया ऑपरेशन चला सके उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू करना पड़ता था बट अब बात ऐसी हुई है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करते हैं नेक्स्ट प्रपोजल की बात करते हैं नेक्स्ट प्रपोजल जो हुआ है दैट वाज ऑन जॉइंट ट्रांसपोर्टेशन कमेटी देखो जॉइंट ट्रांसपोर्टेशन कमेटी बनाने के लिए इस पिक्चर को देखो आप ध्यान से काफी टाइम से ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना इसको लेके काफी टाइम से बात चल रही है जैसे रशिया में गुड्स पहुंच भेजने के लिए इंडिया को कोल के, के थ्रू जाना पड़ता है अभी यहाँ पे आप देखो आ, या यहां से जाना पड़ता है ठीक है एंड ये क्या पड़ता पड़ता है है बहुत लेंदी है। और तो इसलिए सोचा यहाँ पे है ना रशिया आप देखो यहाँ ऐसे घूम के आएंगे तो लेंदी पड़ेगा ठीक है तो अब किसकी बात की जा रही है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका यहां से इंडिया ईरान

देखो अब हुआ क्या है जो इसराइल के द्वारा अटैक किया गया है ना उसमें काफी सारे सिविलियंस की जान गई है ठीक है अब अगर सिविलियंस की जान गई है तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है एमर्ज होके आया तो इसको लेके भी कंसर्न्स दिखाए गए इंडिया के द्वारा अब हम जो है दूसरे एरियाज ऑफ कोऑपरेशंस की बात कर लेते हैं ठीक है दोनों कंट्रीज जो हैं इनके जो दूसरे कोऑपरेशंस है दैट आर इन टर्म्स ऑफ यू नो की इंपॉर्टेंस जो दोनों कंट्रीज को एड्रेस करनी चाहिए जैसे टेररिज्म या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को जो है कॉपरेशन करने की जरूरत है टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशली थ्रू नेशनल करेंसीज को स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटल बिट डिटेल्स लाइक हिस्टोरिकल रिलेशन हाउ देव इमर्ज लाइक उनको हम डिस्कस करेंगे इंडिया ईरान के टाइज जो है वो एंशंट टाइम से है ट्रेड जो है हुआ करता था कोस्ट ऑफ सर्दन ईरान एंड इंडिया के थ्रू इंडिया के साथ थ्रू द पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी पॉलिटिकल डायमेंशन कब साइन हुए हैं ईरान एंड इंडिया ने साइन किया था एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को 15 मार्च 1950 में तेहरान डिक्लेरेशन साइन हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में जिसने अफर्म किया कि दोनों कंट्रीज एक विजन शेयर करती है जिसमें इक्विटेबल पुलरिस्टिक कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर को एड्रेस करने की बातचीत की गई

एक्वायर नहीं कर मतलब उनको वीजा की ज़रूरत नहीं है टू ट्रेवल इन टाइज की बात है, इंडिया के बीच में जो, की इंडियन जो दो हजार तेरह में बना था और उसको रीनेम किया गया स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर 2018 में इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया कि वो इंक्लूड करेंगे फारसी दैट मीन पर्शियन लैंग्वेज को वन ऑफ द नाइन क्लासिकल इन इंडिया अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी चैलेंजेस क्या है दोनों कंट्रीज के बीच में यूएस का सैंक्शन जो इम्पैक्ट करता है इंडिया के ऑयल इम्पोर्ट को चाबार प्रोजेक्ट को राइट right. चाइना का बढ़ता हुआ प्रेजेंस इजरेली फैक्टर बिकॉज इंडिया के क्लोज टाइज है इजरेल के साथ भी एंड इट प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर इंडिया टू बैलेंस इट्स रिलेशन विद एंड ईरान एट द सेम टाइम

ये एक मेजर चैलेंज होकर निकल के आया है इंडिया के लिए अफगानिस्तान का इशू यूएस का विड्रॉ करना अफगानिस्तान से उसकी वजह से एक चैलेंज क्रिएट हो गया फॉर इंडिया स्ट्रेटजी जो रिलाई करते थे यूएस ईरान कोऑपरेशन पे फॉर इट्स अफगान इंटरेस्ट नाउ विलुक इन टू द वे फॉरवर्ड वी नीड टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को जो है लीड लेनी चाहिए एस्टैब्लिश करने में ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और जो एडवांस करेगा तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को टू तो गारंटी एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस करने की जरूरत है ट्रेड ठीक है किसमें इरानियन एग्रीकल्चर गुड्स थ्रू प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स सो दमर्शियल टाइज को एनहांस किया जा सके थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक मेकनिजम लाइक साइनिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपोरेशन की अगर हम बात करें इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ना पेट्रोकेमिकल्स में डेवलपमेंट ऑफ सी लाइन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विस जो लीड करेगी टू एक्सपैंडिंग ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू नेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑफ शोर गैस फील्ड लाइक फर्जाद बी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इंडिया एंड ईरान इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस दे कैन इन्वेस्ट इन चाबार इकोनॉमिक फ्री जोन टू अप द पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट इधर इंडिपेंडेंटली या फिर किसी ज्वाइंट वेंचर के थ्रू राइट Next, we need to curb the terrorism. Those no countries, are they are cooperating ag uh, like, again with each other to cooperate to fight terrorism and to create peace and stability in that region. We need to boost the connectivity. India and Iran could joint efforts. with the with Russian Federation and other Central Asia Caucus countries to transport corridors, especially in terms of international north south transport corridor. Regional cooperation ko enhance kar sakte ham with multilateral forum. India utilize kar hai BRICS ko. Shanghai Cooperation Organization just a platform ko so that they'll be able to discuss important regional issues with region, stability, security that is going to promote upgrade existing. So, guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.